कीबोर्ड होगी। भाई मुझे एक बात अगर बताओ, मेरा क्रोम ओल्ड वर्जन हो गया, अपडेट तो न्यू वाला कैसे होगा? नया क्रोम आ रहा, करियो। देखी थी वीडियो जो मैंने कल पढ़ा कुछ? देखी थी आपने तो नहीं, वो तो यहाँ का लिंक भेजता हूँ मैं। नहीं भाई, वो लिंक कहाँ है इन क्लासेस का? बाद में डाला मैंने नहीं तो जैसे अभी कल की मैं क्लास देख रही थी है, जाके मुझे दिखी नहीं तो देख लो क्या, मैंने अपलोड कर दी बाद में। मुझे भी लिंक दे दी उन क्लासेस का। क्योंकि मुझे पता है क्या मुझे है ना कि ये वो नहीं है ना इंडियन बैंक भी चल रहा था मुझे बाद में अपलोड करनी पड़ती है यहाँ का सिस्टम कब सुधरा है? स्लाइड वहाँ चली क्लास जब वो बढ़ने का मना कर रहे हैं वो कह रहे हैं यही चाहिए वो है? क्या कह रहे हैं यही चाहिए देखो गवर्नमेंट चाहिए? जीआई चाहिए जीएससी कौन कह रहा? बच्चे अच्छा वहाँ नहीं पढ़ते। चलो पर दो तीन जो कॉल आए थे मैंने भी मान लिया चालू देखो, जो आपका आईआईटी जेई है, इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है वो आपका है सेट रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, ये आपका टॉपिक है। अब यहाँ बात करूँ मैं, यहाँ के जो लेक्चर होंगे, किसी भी एक टॉपिक पे 8-9 लेक्चर हैं, 10 से ज़्यादा लेक्चर होते हैं। 10 लेक्चर में आपको क्या कराना है? देखो, बेसिक की हो, बेसिक का मतलब जो 11th का है और आपका 12th का है। ठीक है, क्योंकि अगर ये मजबूत नहीं है, मजबूत का मतलब ये है कि अगर ये टिकता नहीं है आपको, तो फिर आप यही छोड़ दो, फिर यही तो कुछ नहीं होगा। डिफिकल्टी लेवल की बात करूँ, डिफिकल्टी लेवल जहाँ से 12th का खत्म होता है ना, उससे भी बहुत बार इसका स्टार्ट होता है। मतलब ये नहीं कि थोड़ा ही है डिफिकल्ट है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट इसके कुछ होते हैं। अब बात आती है कि हमें पढ़ना कैसे है, कैसे तैयारी करें, क्योंकि किसी भी चीज़ के लिए जैसे देखिए, अगर मैं बात करूँ, कोई भी वन डे एग्जाम होते हैं, जैसे आप पीछे सर आईएएस को छोड़ के, जैसे आपके पटवारी हो गए या ग्राम पंचायत सेक्रेटरी हो गए हैं, उनके लिए क्या होता है? जीएस है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, मेमोरी बेस है, कहीं से थोड़ा बहुत पढ़ लिया या अपना क्वेश्चन ही आपके रट लिए तो काम चल जाता है। लेकिन आपको पढ़ना है मैथ, पढ़ना है एक तो, एक फिजिक्स पढ़नी और एक केमिस्ट्री। केमिस्ट्री और मैं आपको बताऊं, जहां तक मेरा अपना तजुर्बा है, तीनों ही चीज में अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो क्वेश्चन आपसे नहीं नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि तो टोटल जो पोर्शन है वो न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल का मतलब भाई, मैथ तो ऑलरेडी न्यूमेरिकल है ही, उसमें तो क्वेश्चन है। फिजिक्स केमिस्ट्री में भी न्यूमेरिकल ही आते हैं, कंसेप्ट अटक गया तो क्वेश्चन आपका खत्म। जैसे मैथ्स के लिए है कि 11th 12th कंप्लीट है, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए भी यही रूल फॉलो होता है कि वो आपका बेसिक कंप्लीट ठीक होना चाहिए। अब दूसरा, अब क्या है कि मैं आपको सपोज करो 10 दिन की क्लास चली, 10 क्वेश्चन रोज कराए, मैंने 100 क्वेश्चन करा दी, उस क्वेश्चन करना बेनिफिट होगा या पहले कंसेप्ट पे चर्चा करें बेसिक के लिए, कुछ जो उसके कंसेप्ट हैं, जो थोड़े अपर लेवल के कंसेप्ट है जो इन क्वेश्चन के लिए हैं, भले हमारे क्वेश्चन कम हो लेकिन कंसेप्ट जो है अभी तक क्लियर हो जाना चाहिए, वही सही रहेगा तरीका। या क्वेश्चन से ही पहले दिन से मैं यहाँ जे का मेरे क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जे का गए अगर क्वेश्चन कराने शुरू कर दो तो उससे तो कोई बेनिफिट नहीं मेरे है। को ठीक क्लियर है, दूसरा आपके साथ क्या इशू रहेगा आपका? आपका मीडियम था हिंदी, जी राइट? आपने ड्रॉप कर दिया, बीएससी आप नहीं कर रहे, बीएससी करोगे तो वहां भी आपको इंग्लिश टू इंग्लिश मैथ मिलेगा। जितनी भी बुक्स आप पढ़ोगे मैथ की, हो सकता है एक दो राइटर हो जिनमें हिंदी में हो इंजीनियरिंग के लिए, अदरवाइज टोटल कहे में है इंग्लिश इंग्लिश में में। अगर मैं यहाँ फुल्ली इंग्लिश में पढ़ाऊँ तो हो सकता है कि आप इसको अडोप्ट ना कर पाओ, एकदम आपके समझ में ना आए, तो मुझे दोनों का मिक्स करना पड़ेगा। दिमाग में निकाल लो कि जो मुझे पेपर देना है जेई का, वो इंग्लिश वर्जन का देना है, चाहे मैथ है चाहे फिजिक्स है या केमिस्ट्री, वो आपकी अप्रोच अच्छी बनाएगा। अगर हिंदी में रहोगे तो हिंदी में क्या होगा, फिर आप सिर्फ उसको ट्रांसलेट करने में, क्योंकि बुक से आप इंग्लिश पढ़ रहे, हिंदी में तो कोई बुक है नहीं, तो कंसेप्ट टाइम कैसे, वेस्ट भी होगा टाइम इसमें वेस्ट होगा, क्योंकि थोड़ा लैंग्वेज का थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। दूसरा ध्यान रखना, कहीं पर भी अगर कोई वर्ड ऐसा है जिसका आप समझ में नहीं आ रहा, उसका मीनिंग हो या उसकी एक्सप्लेनेशन हो या उसकी डेफिनेशन है, तो उसे जरूर पूछना, क्योंकि एक ही डाउट, वो कहते हैं ना कि अगर मकान की एक भी ईंट कमजोर रह जाती है तो मकान नहीं फिर बनता, उसका गिरने का डर रहता है। ठीक है, तो
यहाँ मैं पढ़ाऊंगा तो जितने भी चीजें इंग्लिश में लिखूंगा है बाकी उसे हिंदी में समझाऊंगा। जैसे सेट है, सेट को हिंदी में क्या बोलते हैं? समुच्चय, समुच्चय, ठीक है। और रिलेशन को, संबंध, हाँ ये सेट रिलेशन एंड फंक्शन ना हो गए, ये मैपिंग है। क्या है मैपिंग, मैपिंग? मैपिंग को क्या बोलते हैं? आलेख, वर्ती चित्रण, ठीक प्रतिचित्र, है। मुझे क्यों पता है इतना? क्योंकि आप पढ़े हैं, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ। आप हिंदी मीडियम से ही हाँ पढ़े मेरी जो 12th है मेरी भी यूपी बोर्ड से है। उसके बाद जितना भी मैथ्स पढ़ा इंग्लिश में पढ़ा, इसलिए मुझे टोटल जो इंग्लिश लैंग्वेज का हिंदी में पता और हिंदी का इंग्लिश का पता, इसलिए मैं पढ़ा भी रहा। अगर कोई टीचर ऐसा होता जो फुल्ली सीबीएसई बोर्ड से होता और आपको पढ़ाता तो ये चीज़ें वो सही मायने में हिंदी मीडियम वालों को नहीं पढ़ा सकता, बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, जो पढ़ाया था मैंने पिछला छोटा थोड़ा सा मॉल में उसको जो है रिकॉल कर दूं, फिर आप भी चलेंगे उसको। क्योंकि अमूमन ये मान के चलो जितने भी लेक्चर होंगे उनमें लगभग आधा तो मैं बेसिक ही करना पड़ेगा। हाँ अगर आप यस कर दो कि नहीं मेरा बेसिक चीज़ है मैं उसको कर लूँगा तो फिर सीधा में इंजीनियरिंग क्वेश्चन पर। क्योंकि देखो मैथ में वैसे कंसेप्ट सर मुझे बुक एडवाइस दे दो। पहले तो आप अपने जो बुक्स है 11th और 12th की अपनी एनसीईआरटी जो मैथ्स वो होंगी भी आपके पास। इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश इंग्लिश सर्वेंट, में ही लेता हूँ, ये देखो इतनी महंगी बुक्स आपकी। और आप एक, हाँ इंग्लिश वर्जन की ले लो, एक ऐप है वो बता दूँगा आप उसे डाउनलोड कर लेना, उसमें आपको टोटल बुक्स मिल जाएंगे एनसीईआरटी की, शायद फर्स्ट क्लास से लेकर 12th तक की है, मैथ की भी सारी चीज़ें उसमें आप हिंदी में भी है इंग्लिश में भी है। क्योंकि उस कंसेप्ट कहाँ से रीड करोगे आप? इंग्लिश से कोशिश करोगे पढ़ने की तो उस किताब हार्ड कॉपी में होनी चाहिए, बाकी वो सॉफ्ट कॉपी से वहाँ देख लिया अगर कोई मीनिंग समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, सबसे पहले अगर हम सेट की बात करें, सेट की डेफिनेशन क्या होती है, इसको कहेंगे सेट। मतलब अभी एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, देखिए हम अपनी लाइफ में सुनते हैं कि जैसे कप का सेट है, गिलास का सेट है, किसी भी चीज का, यानी कि जैसे एक आपका है डिनर सेट, डिनर सेट का मतलब जो जो बर्तन खाने में यूज होते हैं उन सब का सेट, ठीक है। यानी कि जो सेट होता है उनके अंदर कुछ ना कुछ एक सिमिलर प्रॉपर्टी होती है, एक समान गुण होता है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन हम लिखते हैं, ए वेल डिफाइंड, डिफाइन का मतलब परिभाषा, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब ये कह लो आप एलिमेंट, इनको हम हिंदी में बोलते हैं ऑब्जेक्ट। यानी कि एक परिभाषित ऐसा संग्रह है, कलेक्शन का मतलब संग्रह संग्रह है ऑब्जेक्ट या अवयव का जो परिभाषित हो उसको ही हम सेट सेट बोलते है। हैं। अगर मैं बोलूं वोवल्स ऑफ, वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, तो क्या दिमाग में आए तुरंत? ए पी आई ओ यू, हमने सिंपली ऐसे लिख दिया, ठीक है। लेकिन आप अगर यहाँ देखते हैं, ये तो सिंपल लिखने का तरीका, अगर इसको हम सेट की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, सेट की फॉर्म में हमने अगर हमें सेट लिखना, देखो सेट का जो लिखे नोटेशन होगा वो कैपिटल लेटर, ठीक है। जो एलिमेंट्स हैं वो ब्रैकेट्स के अंदर लिखे जाए, कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में बोलते हैं मतलब ब्रैकेट, ठीक है। और जो एलिमेंट होंगे उनके बीच कॉमा लगा करके ऐसे लिखते हैं, तो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ वोवल्स का हो, वोवल्स कह दिया, वोवल्स वर्ड ही अपने आप में क्या है, वेल डिफाइंड है इसके अंदर, ठीक है। ये आपसे कहूँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 5, ये लेन गेन मिलने, इससे दिमाग में तुम क्या आएगा, 1 2 3 4, ठीक है। सेट पे लिखेंगे तो ये भी एक वैल्यू डिफाइन हो गया, ठीक है। अगर मैं कहूँ कलेक्शन ऑफ कलेक्शन ऑफ
ऑल स्टूडेंट, ऑल गुड स्टूडेंट, इन स्कूल। यानी कि अगर मैं कहूँ बच्चों का एक ऐसा संग्रह है विद्यार्थियों का जो अच्छे हो एक स्कूल के, क्या गुड का कोई मानक है ऐसा जो हम बता सकते हैं कौन सा गुड है या नहीं है? तो वेल डिफाइंड तो नहीं है, तो इसलिए ये सेट नहीं। अगर गुड की जगह मैं कहता कलेक्शन हो ऑल स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th 11th 12th कोई भी क्लास डाल देता तो वो क्या होता? वेल डिफाइंड हो जाता, सेट। गर्ल्स का गर्ल्स वेल डिफाइंड, बॉयज का बॉयज का वेल डिफाइंड। एज के रिलेक्शन में कि लेस देन 14 ईयर या लेस देन 7 ईयर, नर्सरी क्लास की बात, छोटी क्लास की बात करें तो इस तरह से जिसका हमें एग्जैक्ट पता है वही एक ऐसा कलेक्शन ही हमारा क्या कहलाता है? सेट। सेट का नोटेशन बता दिया, कैपिटल लेटर से होगा, एलिमेंट है स्मॉल लेटर से होंगे और दे आर सेपरेटेड बाय द कॉमा एंड पुट इनसाइड पुट क्या ब्रेसेस, इसको ब्रैकेट को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ब्रेसेस, ठीक है। और क्या नाम, कौन सा? कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। दूसरा यही पे समझ लो, जैसे अगर हमने सेट वोवल्स का बताया है क्या ए ए ई आई ओ और अगर मैं सेट को ऐसे भी लिखूं ए ई आई ए ओ यू ई आई, क्या है दोनों सेट में कोई डिफरेंस है? यस सर। क्या? और इसमें सिंगल। अगर बाद में देखूं क्या दोनों सेट इक्वल हैं? दे आर इक्वल और नॉट? दे आर इक्वल और नॉट? मैंने कहूंगा दे आर इक्वल। क्या है ये? इक्वल है। सेट के अंदर अगर कोई एलिमेंट रिपीट है उसकी कोई वैल्यू नहीं, वो चाहे एक बार है चाहे 10 बार है, वो एक ही बार काउंट हो। एलिमेंट तो ये है चुके तो है, क्योंकि जो हमारा इक्वल सेट्स की डेफिनेशन है कब होते हैं दो सेट इक्वल? तब होते हैं एक सेट ए है और एक सेट बी, दोनों इक्वल कब होंगे? जब इसके सारे एलिमेंट इसमें होंगे और जब इसके सारे एलिमेंट इसमें होंगे। इसके सारे एलिमेंट इसमें हैं, इसके सारे एलिमेंट इसमें हैं, दे आर इक्वल, क्लियर। तो रिपीटेशन जो है किसी भी चीज का उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। यस, अगर हम ये एलिमेंट ऐसे लिखते हैं ई ए ओ आई और क्या सेट ये और ये इक्वल है? अब भी इक्वल है, ऑर्डर अगर चेंज हो रहा तो ऑर्डर का भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, समझे? नंबर एक, अगर आपके एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं एलिमेंट, तब भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। दूसरी कंडीशन, ऑर्डर कुछ भी हो, ऑर्डर अगर चेंज भी हो गया ना तब भी सेट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, सेट का जो मान वैल्यू है वो सेम टू सेम रहे, ठीक है। सर वैसे इन 6 मंथ्स में सिलेबस कंप्लीट है? सिलेबस तो कंप्लीट हो गया, सिलेबस तो उसी हिसाब से लेक्चर है, 6 अप्रैल तक आप कंप्लीट हो जाएगा। अप्रैल तक? अप्रैल भी तक आप यहाँ क्लास खत्म होने के ही 5-4 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद ये एग्जाम है, अप्रैल के लास्ट वीक में ऐसा रहेगा।
फॉर्म कब आएंगे इसके? दिसंबर में दे रखा है कि जेईई मेंस 2024 का ही होगा ना, तो एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज अप्रैल सेशन के मार्च 2024, लास्ट डेट भी मार्च में हो जाएगी और एडमिट कार्ड मार्च में होंगे और जेईई मेंस 2024 एग्जाम डेट अप्रैल 2024 में है। इस बात इसी वजह से तो मतलब जिनका फर्स्ट वाला छुट्टियां से साल में दो बार निकलने से नवंबर में निकलेगा फिर ये क्या आपका नवंबर में निकलेगा और ये मैं एग्जाम डेट जो है जनवरी में होगा ठीक है और दूसरा फिर वो अप्रैल सेशन का वो अप्रैल में यहाँ अप्रैल के साथ तैयारी हो लेकिन ये मान के चलो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल छः महीने हैं लगभग लगभग 80% 70-80% आपका सिलेबस हो जाएगा। अगर बात करूँ उसके लिए अब इतने डिटेल में तो मैंने पहले पढ़ी थी, अब नया एडिशन उसका मैं देख लूँगा। एक तो यहाँ भी है बुक्स लेकिन यहाँ की दिक्कत ये होगी कि जो बुक्स है हिंदी में लाइब्रेरी में आप अगर देख लेना, अगर उसमें कंफर्ट हो तो हिंदी से भी कर सकते हो आप, वो आप अपना डिसाइड कर लेना, मुझे कोई इशू नहीं है। पढ़ लो हिंदी में पढ़ लो इंग्लिश में पढ़ लो, मैथ में इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। वैसे तो मेरे हिसाब से आर डी शर्मा भी अच्छी बुक है, यही है। 11th और 12th का मैं बता रहा आपको जो एन सी आर टी है, या आप इसकी आर डी शर्मा ही ले लें ठीक है। सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ दो, उसके बाद सिटी फेयर इंजीनियरिंग की बुक आ जाए, समझ रहे? ये बुक इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए उतना ही काम करेंगे जैसे हिंदी सीखने के लिए आपका पता होना चाहिए एनसीईआरटी 11th 12th। ये वाला बहुत ही अलग चीज है, जिन लोगों को नहीं पता वो सोचते हैं कि शायद 11th 12th से पढ़ के ही जेई का एग्जाम क्रैक हो जाएगा, वो पॉसिबल नहीं। जो 11th 12th का मेरिटोरियस बच्चा है ना वो भी एक क्वेश्चन कर सकता है, ये स्थिति होती है। एनडीए में मैंने पढ़ाया लास्ट ईयर और बच्चे तो वही बोर्ड गए, बेसिक सी बोर्ड वाले की स्थिति वाले पैसे वाले पार्ट जाए ना तो मानिए और तो फिर क्या होगा। उन्हें पहले बेस कराया और मुश्किल थे एक कॉपी के शिक्षा लेक्चर थे पाँच अच्छे वो पढ़ने के इतने बड़े फैन हो रहे हैं फिर एन डी एफ से लगा वो कह रहे कि हमें नहीं पढ़ाऊंगा पढ़ देंगे। ये आई टी जाएगा बहुत पहले तब उसका किस्त नाम होता था एमआरआर डेट ऑफ बर्थ और हमने जो एग्ज़ाम दिया था ये मैंने दिया था ये आपका 98 का
98 में दिया, 2002 में फिर मैंने एक बार एनसीए का दिया, एनसीए का यही सिलेबस होता था। फिर उसके बाद फिर मैंने बीटेक सेकेंड ईयर के लिए निकला था, उस टाइम यूपीटी उसका नाम था, उसका एग्जाम 2007 में भी दिया। जिसने इस चीज की तैयारी ना की हो ना, वो नहीं करा सकता उसको। प्लस फिर मेरी क्वालिफिकेशन बीएड है, एमएससी है, और पिछले 10 साल से जो है पीसीएस की तैयारी की। जिसने कंपटीशन दिया हो वो ही कंपटीशन की तरह से पढ़ा सकते हैं। अच्छा, अब है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सैट। एक बार को वीडियो जरूर देख ले कल वाली, ठीक है? जैसे मैं सैट लिख दिया, क्लियर है? इसको लिखने के दो तरीके होते हैं। रिप्रेजेंटेशन का मतलब प्रदर्शित करने का, ठीक है? एक तो आपने पढ़ा होगा रोस्टर, वह सारणी, ठीक है? और दूसरी पढ़ी होगी आपने क्या नाम, सेट बिल्डर, सेट बिल्डर मेथड। क्या है सेट बिल्डर मेथड, ठीक है? देखो रो को बनाने का मतलब रोस्टर और सारणी को इसमें बोलते हैं, तो एक रोस्टर जिसको रोस्टर बोलते हैं या टैबुलेशन, टैबुलेशन मेथड हो गया, और ये सेट बिल्डर मेथड हो गया। दोनों कंफ्यूज कर देती है। ये जो ये मेथड है ना, ये इंजीनियरिंग के लिए बहुत जरूरी है। सेट बिल्डर मेथड है कि सेट थ्योरी में, प्रोबेबिलिटी में, बहुत सी जगह ये चीज ज्यादा यूज होती है। रोस्टर का मतलब क्या होता है, और टैबुलेशन का मतलब है सीधे सीधे, इससे मान लो कि कोई एक टेबल बना, क्या बना ना, टेबल का मतलब मेज नहीं, जैसे हम डाटा की टेबल बना लेते हैं ना, ये वाली टेबल बनाना। रोस्टर का मतलब भी यही होता है, एक तरह से क्रमानुक्रम। मान लो रोस्टर का मतलब कि भाई किसी काम का कैसे बंटवारा करना, भाई आज ये करना, मंडे सोमवार में ये करेगा, मंडे जैसे बच्चों से स्कूल से करा लेते हैं ना कि भाई सोमवार में तुम्हारा नंबर है, ये सारी देख रेख करने का, पानी पिलाने का, मंगल में तुम्हारा नंबर है, वो भी एक रोस्टर हो गया। यानी कि वहाँ जो एलिमेंट है वो फिक्स कर दिया उन्होंने, भाई पर्टिकुलर है कि मंडे में आएगा। दोनों चीज क्या होगी, सेम होगी भाई। टेबुलेशन कुछ कह लो, रोस्टर कह लो, मान लिया ए बी, ऐसे कर लो ए बी सी डी ई एफ, इसे आप रोस्टर भी कह लो, टेबल भी। भाई ये है ए, क्या है मंडे में पानी पिलाएगा, ये ट्यूजडे में पिलाएगा, ये वेडनेसडे में, ये थर्सडे में, फ्राइडे में, ये सैटरडे में, संडे की छुट्टी होती है, बनेगा रोस्टर। इसे तो रोस्टर बोलते हैं, ये टेबुलेशन। इसमें क्या चीज निकल गया, इसमें यह है कि हमने जो जो काम जो करना है, किस दिन करना है, कौन करेगा, सबके नाम आ गए, क्लियर? अब बात होती है कि सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है। सेट बिल्डर फॉर्म में ओनली एक प्रॉपर्टी लिखी जाती है। क्या लिखी जाती है, प्रॉपर्टी। इंडियन क्या बोलते हैं, गुण लिखे जाते, ठीक है? यानी अगर ये कह दें भाई पहले 3 दिन सभी बॉयज पानी पिलाएं, बाद के 3 दिन गर्ल्स, या कह दे भाई माले बच्चे वहां से 4 गांव से बच्चे आते हैं, 5 गांव से, भाई पहले दिन इस गांव के या दूसरे दिन, तो उस तरह एक तरह वो भी टेबुलेशन ही हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो सेट बिल्डर में तो एक प्रॉपर्टी ही होगी, बस बॉयज और गर्ल्स तक चल सकता है। अब कैसे लिखते हैं, जैसे अब नोटेशन कैसा है, एक तो बोलते हैं हम एक्स जनरल लिखते हैं, जैसे हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं, सबसे पहले तो कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, कोई भी ब्रैकेट है, कोई भी सेट है, मान लिया ए सेट, सबसे पहले ब्रैकेट, उसके बाद हम लिखेंगे एक्स। एक्स क्या है, एक एलिमेंट है। एक्स का मतलब ये नहीं कि पर्टिकुलर एक है, ये बहुत से एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है? एक्स फिर यहाँ लगाएंगे दो डॉट, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अंग्रेजी में बोलते हैं इसको सच दैट, क्या बोलते हैं, टीचर तो यही यूज करते हैं, जबकि जबकि तो कोई नहीं करा, एक्स सच दैट। फिर एक्स लिखते हैं इज ए प्रॉपर्टी, लिखते हैं इसका प्रॉपर्टी, क्या प्रॉपर्टी वो बता रहा, और ब्रैकेट,
ये सेट बिल्डर फॉर्म हो, क्लियर हो गया। पढ़ेंगे इसे, इसको रीड कैसे करेंगे, द सेट, द सेट ऑफ ऑल एक्स, यानी कि यहां इसको सिर्फ के लोग क्या पढ़ेंगे, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, सच दैट एक्स इज, आगे जो भी हो जाएगा ठीक है। अब मैंने लिखा b बराबर, हमने एक सेट किया था a d y o और u लिया था, प्रॉपर्टी में कैसे लिखते थे सेट बिल्डर फॉर्म, ये कैसी फॉर्म है, टेबुलर फॉर्म या रोस्टर मेथड, क्योंकि सारे एलिमेंट हमने लिख दिए। अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म देखो, ये आसान है, लेकिन जब मैं बच्चे को करा ले, मैं जो 80% वाला है ना, उसे मैं कहूँ ना सेट बिल्डर फॉर्म लिख, इसकी मुझे घबरा जाएगा, इसकी सेट बिल्डर फॉर्म कैसे बनाऊं, क्योंकि आजकल भी परसेंटेज से बच्चे का मूल्यांकन नहीं हो पा, पता नहीं किस तरह से मार्क्स हुआ इंटरनल एक्सटर्नल की वजह से पता नहीं लगता, ठीक है। अब इसको से क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो आंख बंद करो, एक्स लिख सच दैट, फिर दोबारा एक्स आएगा, एज क्या है, एज ए वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। एक्स कैसा है, सच दैट का मतलब ऐसा क्या होता है, ऐसा है कि यह तरह से काम, एक्स ऐसा है कि एक्स क्या है, इंग्लिश वर्णमाला का एक स्वर है, वोवल्स, ठीक है। प्रॉपर्टी तो लिखनी, तो और कुछ है, अब इस पर आपको थोड़ा वर्क करना पड़ेगा, इसमें बुक्स में जरूर देखना सेट बिल्डर फॉर्म को, ताकि अच्छी तरह से और क्लियर हो जाए। एक और देख लो, अगर बता सकते हैं, और वेरिएबल का मतलब क्या होता है, चर, चर किसको कहते हैं, चर का मतलब सीधी भाषा में चुगना, जो डंगर चुगता फिरता है ना, डंगर कभी एक जगह खड़ा चुगता देखा कभी, चलता रहे वो, यहाँ चुगा के चर का मतलब देसी भाषा में चुगना है, यानी कि जिसका मान बदलता रहे, एक्स की वैल्यू एक क्वेश्चन में तो तीन आएगी, दूसरे में सात आएगी, किसी में कुछ आएगी, तो सब जगह अलग अलग आती है। तो हमेशा क्या होता है, जैसे एक्स ले लिया हमने, वाई ले लिया, ठीक है, एक होते हैं हमारे कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट कौन से हैं, जो वन है, टू है, थ्री है, सारे जितने भी न्यूमेरिकल नंबर है कॉन्स्टेंट है, इसी के साथ दूसरी एक टर्म और देते हैं, ए बी सी डी हम कॉन्स्टेंट का भी मानते हैं, ठीक है, ये हमारे अब्सोल्यूट कॉन्स्टेंट है, कैसे हैं, और ये वेरिएबल कॉन्स्टेंट है, वेरिएबल कॉन्स्टेंट का मतलब क्वेश्चनों में हो सकता है इनके मान अलग लगा सकते हैं, लेकिन इनकी वैल्यू फिक्स होती है, इसलिए अब्सोल्यूट कह दिया, बिल्कुल यथार्थ है, जैसे है वैसे ही रहेंगे, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन है वहाँ थ्री है तो उसकी वैल्यू थ्री ही रहनी, बीस ए बी सी की बदल जाते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट ए बी सी है, ये वेरिएबल नहीं लेते, इनको लेते हैं वेरिएबल कॉन्स्टेंट मान के चलते हैं, कॉन्स्टेंट है लेकिन ये वेरिएबल है, समझ रहे हैं, वेरिएबल कॉन्स्टेंट, अब्सोल्यूट कॉन्स्टेंट और वेरिएबल कॉन्स्टेंट। अब मैं एक साइड लिख देता हूँ, वाले ए सेट ए है, टू फोर सिक्स एट नाइन टेन, इसको सेट बिल्ट फॉर्म में लिख, कैसा सेट है, कैसे लिख सकते, मतलब कोई वेरिएबल है ए और बी, इसको हम सेट बिल्ट फॉर्म में कैसे बनाएंगे, सबसे पहले तो वो लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स, आगे क्या लिखेंगे, वेरिएबल नहीं, वेरिएबल तो है ये, एक्स
अभी इस x के अंदर ये सारे समान है, x एक ऐसा है जो है सारे आ गए, x is an even number, चल जाएगा इतने से काम। 12 भी तो इवन है, 14 भी इवन, 16 भी इवन, आपके सारे इवन निकले। तो क्या ये पूरा सेट बिल्डर बन गया इसका? अभी तक कुछ और अधूरा भी रहेगा। ये जो हमने लिखा ना x such that x is an even number, इसका मतलब सेट कैसा है? ये है 2, 4, 6, 8, 10, 12 less than 10 x is even number less than or equal to 10 ये ऐसे लिख लो आप, x such that x is an even number, ठीक है? कैसा? x जो है less than equal to 10 इसी ऐसे ही लिखना, क्योंकि यहाँ के लैंग्वेज मतलब यूज करना, ये मैं नोटेशन यूज कर। अब क्लियर होगा सेट बिल्डर फॉर्म बन गया, क्लियर है? इसी सेट को अगर मैं लिखूं 1, 3, 5, 7, 9 x इज एन ओड नंबर लेस देन इक्वल टू 9 एक सेट है तो क्या लिखते हैं, कैसे लिखते हैं? x such that x is n square x such that x is square number o natural square number o natural फिर वही बात है, जगह दूरा हो गया ना इसको हम ऐसे लिखेंगे x is that x is a square of natural number n if where n less than equal to 5 clear ठीक है या आप इसे ऐसे लिख सकते हैं ऐसे x such that x is a square या ऐसा लिख दो आप ये बताओ x is that x equal to n square and n belong to n and n less than equal to 5 ठीक है नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है एन जो है नेचुरल नंबर है और एन की कैसी होगी लेस देन इक्वल टू 5 से कम या 5 के बराबर ठीक है कोड का लिख सकते हैं अब देखो जितना मैं पढ़ा रहा हूं ये मान के चलो अगर मैं यहां 1.5 घंटे की क्लास दे रहा हूं तो अगर आपको लगा 3 घंटे 2 घंटे 2.5 घंटे इतना पढ़ोगे क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री का मुझे लगता है इतना मैटर मिल पाएगा आपको ठीक है नहीं सर मैं तो फिर भी ज्यादा प्रैक्टिस नहीं मैं तो कहाँ से लोगे मार्केट में कौन सी बुक्स हो सकते हैं आरटी थर्मल हो गया एनसीआरटी ले रहे कौन सी लेते
पहले तो एनसीईआरटी पर निकलेगा ना, एनसीईआरटी तो कहीं से लेगा, एनसीईआरटी का सेम रेट तो बुक भी बहुत महंगी होगी। कितने कितने के प्राइस है? चलो टाइम से लग गया तो मैं देख पाओ पता करके अच्छा सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 इनफाइनाइट ठीक। एक होते हैं होल नंबर, जीरो क्या इंक्लूड हो जाता है इसमें? जीरो इनफाइनाइट ठीक है। उसके बाद क्या आता है? या आई होल नंबर इंटीजर, इंटीजर कौन सा है? इंटीजर मतलब प्लस माइनस। इंटीजर के दो पार्ट हो जाते हैं, एक प्लस और एक माइनस। प्लस 1 2 3 माइनस, जीरो जो है ना पॉजिटिव इंटीजर है ना नेगेटिव ठीक है। नेचुरल नंबर आएगा उसके बाद आता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होते हैं? इसको हम बोलते हैं परिमेय। क्या होते हैं? जो परिभाषित मतलब विभाजित हो, जैसे कि 2 है, 2 से विभाजित 1 रेशनल नंबर है। 3 3 है ना, और एक में सोचो भी आ में
प्रीमियम संख्या 6 7 8 से स्टार्ट हो जाती है और ये इतना खतरनाक टॉपिक है 6 में 7th में 8th में 9th में 10th में 11th में 11th में नहीं है शुरू अन्य 10 तक फर्स्ट चैप्टर यही मिला हुआ है ना आया कुछ जान नंबर लाइन संख्या पद के नाम का देखो ए नंबर या एक ऐसी संख्या जिसको हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं ठीक है वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 वरना ये इनफिनिटी हो जाता है इनफिनिटी से अच्छा दूसरा वर्ड है अपरिभाषित हां एक्चुअली में तो इनफिनिटी के अपने आप में कुछ नहीं है मान सकते हैं लेकिन यह परिभाषित का मतलब सीधा सीधा सबको गलत हो जाता है ठीक है इसलिए हम q इज नॉट इक्वल टू 0 तो कोई भी नंबर एनी नंबर व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड रेशनल नंबर क्लियर है अब आप देखते हैं ये जितने भी नेचुरल नंबर हैं होल नंबर हैं इंटीजर है क्या ये रेशनल नंबर है कैसे ये अपॉन क्यू की फॉर्म में है ही नहीं तो फिर होंगे नहीं होंगे बताओ ये रेशनल है नहीं नहीं है रेशनल है मान ली अच्छा इनके अपॉन में वन मान लो सबके अपॉनों वन मान लो आप यहाँ भी गए सब जगह वन लगा दो हो गया पी अपॉन तो क्या है ये सारे टोटल नेचुरल नंबर आपके फोन नंबर इंटीजर ठीक है ये सारे क्या है रेशनल नंबर अब दिक्कत आती है कि रेशनल कौन से ऐसे कौन से नंबर है कि कौन और इसके साथ एक और कंडीशन है बस इसकी डेफिनेशन दिखो क्योंकि ये जो चीज समझाना है ये रेशनल नंबर की ये बहुत परेशान करेगी देखो इंटर में 11 12th में जो चीजें छोड़ कर जाते हैं ना इंजीनियरिंग में सबसे पहले वही मिलेगा आपको चलो अब तो पता नहीं मुझे खैर लेकिन जब हम पढ़ते थे 11 12th पहले तो इकट्ठा ही होता था पेपर भी 11 12th में से कटते आता था 12th का पेपर उस समय ये सेट थ्योरी आपका ये समुच्चय और संबंध और प्रतिचित्रण सेट रिलेशन एंड मैपिंग वाला छुड़वा देते थे कोई नहीं पढ़ाता और इंजीनियरिंग में सबसे ज्यादा इसी पे मतलब कंसंट्रेशन लिमिट एंड कंटिन्यूटी लिमिट थोड़ी बहुत ही पढ़ा देते थे कंटिन्यूटी या डिफेंसिबिलिटी कोई नहीं पढ़ाता था कंटिन्यूटी का मतलब सतर्कता और डिफेंसिबिलिटी का मतलब अवकलनीयता जो चीजें हमने वहां ड्रॉप की वो चीजें सबसे ज्यादा यहाँ मिली ठीक है देखो अगर मैं बात करूँ रेशनल नंबर की क्या लिखेंगे ए नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p upon q and q is not equal to 0 or a value of and p and q are integer क्या होने चाहिए p और q पूर्णांक होने चाहिए यानी कि आप कुछ भी अगर रखोगे तो वो नहीं होगा इस डेफिनेशन को अगर देखते हैं नेचुरल नंबर रेशनल नंबर है ठीक है आपके इंटीजर जितने भी हैं ये भी रेशनल नंबर है होल नंबर ये भी रेशनल नंबर है ठीक है ऐसे कौन से नंबर है जो अभी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं और पी और क्यू इंटीजर होना चाहिए रूट टू को अपॉन वन तो कर लेंगे पी अपॉन क्यू तो कर लेंगे लेकिन इट इज नॉट इंटीजर तो ये क्या होगा इरेशनल होगा आप क्या कह रहे थे अभी पॉइंट वन तक क्या बता रहे थे आप मतलब पॉइंट वन हाँ पॉइंट वाला बोलो कोई भी नंबर जो इरेशनल हो 1.0
ये तो सिखाया जाए 1.41 ये रेस ले रेस का पूछना जा रहे ना, अगर ये 1.414 है हटाओ हो गया, ये भी 1414 एक इंटीजर है और ये भी इंटीजर है, क्या हो गया ठीक है, और ये क्या है हम कह रहे थे रेशनल, ऐसा क्यों क्योंकि इसमें बार बार ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, 1.414 के बाद कितने कितने पॉइंट आते चले, क्लियर है समझ रहे हैं आप। दूसरा रेशन नंबर का एक सिंपल डेफिनेशन ये है, आपको जिस नंबर का एग्जैक्ट पता है कि ये ही है बस, चाहे वो डेसिमल में है और वो रेशनल है, अदरवाइज वो इरेशनल है, जिनके हम जैसे 4 है रेशनल है, मैंने क्या जो नंबर एग्जैक्ट आपको पता है 1.414 एग्जैक्ट पता है तो ये रेशनल, रूट 2 का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता तो ये रेशनल हो गया। अब समझो रूट 4 है, रूट 4 रेशनल है, रेशनल क्या है रेशनल, क्योंकि इससे क्या आएगा प्लस माइनस 2, ये क्या है रेशनल है, लेकिन रूट 5 है, रूट 7 है, रूट 11 ये सारे क्या है इरेशनल। अब देखो जो पॉइंट वाले अब चलते हैं, इसमें क्या होता है वो आवर्त वाले और अनावर्त वाले, शांत होते हैं और अशांत होते हैं। अगर कोई नंबर ऐसा है 1.414414 ठीक है 414 ये चल रहा और डॉट लगा दो, ये रेशनल है रेशनल रेशनल है, क्यों है हमें पता है कि इसमें बस 4 1 4 4 1 4 4 1 4 4 ही चलता रहेगा, ये क्या है वो शांत शांत छोड़ दो, तो छोड़ दो वो आपके कोर्ट में नहीं है कि शांत कुछ चला जाओ, बस इसकी लॉजिक लगाओ उसमें, हमें पता है कि ये रिपीट हो रही बार बार तो इसलिए ये रेशनल है ठीक है। अगर ये ऐसा होता 5 3 2 6 5 3 9 6 डॉट डॉट लगा लें रेशनल है रेशनल इरेशनल पता ही नहीं कहीं कुछ आ रहा कभी कुछ आ रहा कभी कुछ आ रहा अब इसमें से अगर मैं यही एंड कर दूं इसका भी यहाँ एंड कर दूं और ये भी ये तो चलो रेशनल है तो ये एकदम क्या बन जाएगा रेशनल क्योंकि हमने इस पॉइंट तक इसको एग्जैक्ट में निकाल दिया, तो ये क्या हो गया इरेशनल, मतलब सर ने एक बात बोल दी कि अगर किसी नंबर पे एंड फ्रैक्शन में क्या गिरता है इसको पाई से, ये नंबर तो रेशनल है, ये भी रेशनल है लेकिन एक्चुअल में जो पाई की वैल्यू है रेशनल है, 3.4 एंड होगी ना ये तो एग्जैक्ट है, वो रेशनल वैल्यू है, ये भी रेशनल है लेकिन एक्चुअल अगर पाई की वैल्यू निकाल लें ये इरेशनल है। इंडियन के एक मैथमेटिशियन है श्री रामानुजन, उन्होंने इसको 10 मिलियन प्लेस तक इसकी वैल्यू निकाल, मतलब मिलियन प्लेस तक यानी कि 10 लाख जैसे हम पढ़ लेते हैं इसका ही दाई सैकड़ आ जाए दशमलव के बाद 10 लाख तक 10 लाख बाद 5 अंक की वैल्यू निकलती है ठीक है, मेरे ऐसा नंबर क्लियर हुए। और दूसरा क्या नोटेशन इसका
ठीक है, यानी कि इसके अंदर कुछ नहीं है, यस को फाइव, इसको एम्प्टी सेट भी बोलते हैं, इसको नल सेट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, या वर्ड सेट, वाइड सेट, तीन नाम, एम्प्टी सेट, नल सेट, वाइड सेट, ठीक है, इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता, तो ये बताओ सेट कैसा है, एम्प्टी सेट है नहीं, ये एम्प्टी सेट नहीं है, क्योंकि फाइव इसके अंदर एक एलिमेंट है, क्यों सर ये एम्प्टी सेट नहीं, एम्प्टी सेट का मतलब खाली ब्रैकेट है, ये बहुत चीजें कंफ्यूज करती हैं, ऐसा दे दिया लगा बच्चों के तो अच्छा है, ये तो फाइव है समझ लो, अरे फाइव तो अपने आप में एक एलिमेंट है, ऐसे क्वेश्चन गलत है, ऐसे क्वेश्चन है, ऐसे कंसेप्ट की जरूरत पड़ती है, कहीं आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे होंगे तो यहाँ ये सेट आएगा, एक आपको उसे मानना पड़ेगा ये एम्प्टी है या नहीं है, प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी, तो इस तरह से ये यही तो छोटी छोटी चीजें हैं, अगर आपने किसी छोटे सिक्स सेवन एट या नाइन के बच्चे किसी को पढ़ाया छोटे किसी को कोई मतलब घर पे पढ़ाया होगा कभी बताया होगा देखा होगा कि ये समस्या आती है, सपोज करो आप उसको फैक्टर करने सिखा रहे हैं, पता लगा था मल्टीप्लीकेशन की थोड़ी देर की तरह जैसे टेबल लड़नी है, तो ये फैक्टर क्या सीख लेगा,
फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट का तो पता होगा, जिस सेट में एलिमेंट्स नंबर ऑफ एलिमेंट काउंटेबल हो, जिनकी काउंटिंग की जा सके उसको फाइनाइट सेट बोलते हैं, जिसमें नंबर नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट नहीं की जा सकते उसको इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। ठीक है, इक्वल सेट बता दिया मैंने, अगर ए के सारे एलिमेंट बी में है और बी के ए में है तो वो इक्वल सेट कहलाएगा। ठीक है, फिर आपका है सबसेट। सबसेट पता है वो समझ, सब सेट हिंदी में बोलते हैं ग्रुप समुच्चय। यानी कि एक ऐसा सेट, सपोज करो कोई हमारे पास सेट ए है, क्या है 1 2 3 एलिमेंट है, उसके सबसेट कैसे होंगे? इसके सबसेट जो होते हैं, एक तो फाई होता है सभी का सबसेट, फाई दुनिया के जितने भी सेट है फाई सबका होता है भाई, उसका सबसेट। दूसरा सिंगल एलिमेंट लेगा बनाए, क्या क्या बनेगा, एक सेट तो कौन बन गया, दूसरा ये भी इसके सबसेट। ठीक है, फिर आप दो एलिमेंट लेकर बताएंगे 1 2 2 3 और फिर ये भी इसके सबसेट। तीसरे नंबर पे होता है अपना इट सेट, अपने आप 1 2 3 ये भी इसका सबसेट भी है। ठीक है, अगर मान लिया उसमें कितने एलिमेंट होते, 4, तो फिर 3 3 का लेगा बात, क्लियर है? कितने मेरे 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट किसी भी सेट में मान लिया m है, ठीक है, तो जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, पावर n। यहाँ इसमें कितने एलिमेंट है, तो कितने एलिमेंट, कितने सबसेट बनाएंगे? ठीक है, सपोज करो अगर यहाँ एलिमेंट एक और बढ़ा दो तो 2 की पावर कितने बनेंगे, 16। क्लियर है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे पावर सेट। ये हो गया दूसरा, यहीं पर पढ़ लो आप पावर सेट, क्या पढ़ लें पावर सेट क्या होता है, ए सेट ओ ऑल सबसेट ऑफ ए सेट इज कॉल्ड पावर सेट। ठीक है, पावर सेट को रिपोर्ट, अगर किसी का हम पावर सेट लिखते हैं, क्या लिखेंगे सबसे पहले तो फाइव, ठीक है, 1 2 3 1 2 2 3 3 1 या 1 3 कैसे भी, ठीक है, और 1 2 ये क्या हो गया इसका पावर सेट। नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट कितने हो गए, कितने होंगे, 8 हो या 2 की पावर m ही। ठीक है, क्योंकि आगे जब वो पढ़ोगे आप क्या नाम रिलेशन, उसमें वहां पे आएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट, क्या आएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट, पहले कार्तीय गुणनफल। ठीक है, यहां अगर आप देखते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर सबसेट किसका होता है, होल नंबर सेट ऑफ किसका जाता है, इंटीजर का
और ये सेट हो जाता है किसका, रेशनल नंबर का, और ये सेट किसका होता है, रियल नंबर। रियल नंबर किसको बोलते हैं, जिसमें आई ना आए। आई का पता किसे कहते हैं, आयोटा, इमेजिनरी नंबर। 11th 12th में था कहीं? पावर सेट हो गया, यूनिवर्सल सेट जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं। अगर पहले सेट नेचुरल नंबर की बात करें तो नेचुरल नंबर क्या होगा, एक यूनिवर्सल सेट होगा। इसमें तो कोई छोटे छोटे सेट निकाल दें, अलग सेट है यूनिवर्सल, उनके लिए ये होगा। क्लियर है? कहता है किसी सेट को कहीं पे लिखना इंटरवल, ठीक है, इंटरवल भी किस पे और रियल रियल लाइफ पे, ठीक है। मान लीजिए एक सेट है x सच दैट x, x सच दैट x, लिख लो x such that x, ठीक है, एक कोई सेट है और यहाँ पे a और b दो क्या है, रियल नंबर है, a b से लेस है। देखो इंटरवल चलता है, आपने अगर पढ़ा हो, एक तो क्लोज इंटरवल होता है, बंद अंतराल, एक होता है ओपन, ठीक, एक होता है क्लोज ओपन, एक होता है ओपन क्लोज, ठीक। इसको अगर रिप्रेजेंट करें, जहां इक्वल का साइन है, इक्वल का मतलब क्या होता है, जैसे क्लोज इंटरवल है, एक्स की वैल्यू मान लिया ऐसा हो, क्लोज का मतलब कि जो एंड वाले हैं ए और बी, ये दोनों इसमें इंक्लूड होते हैं, क्योंकि इक्वल का साइन लग गया। ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल का मतलब एक्स ए से बड़ा और बी से छोटा, ए बी नहीं आए। क्लोज ओपन, इधर से क्लोज होगा उधर इक्वल आएगा, ओपन की तरफ नहीं आएगा, ओपन क्लोज, ठीक। रियल लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो बता लो आप, ये ए है, ये ए, A, A और क्लोज है, क्लोज की डॉट डार्क दिखाते हैं, इसका मतलब है इसमें A भी है और B भी है। हेलो, बढ़िया जी, चलो कोई नहीं, अभी सब ठीक।
ठीक है, ओपन इंटरवल को तो हम डॉट में दिखाएंगे, वो इस तरह के खाली कर, ठीक है, इधर से क्लोज हो गया तो ये डार्क हो जाएगा, और इसको दिखाएंगे और डार्क का मतलब है कि इंटरवल जो है जो ए और बी दोनों को ले लो, इनमें दोनों को लेगा सिर्फ कि बीच बीच का हिस्सा रह जाएगा, ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा यहाँ से यहाँ, और ये क्या होगा यहाँ से, ठीक है, मतलब से हाँ रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इनका नोटेशन में, अगर ब्रैकेट में इसको करना हो क्लोज इंटरवल है दोनों तरफ से, ये ओपन है ये वाला ब्रैकेट का, ये क्लोज ओपन है, ये ओपन क्लोज है, ये इनके नोटेशन, ठीक है, तो इतना का नोटेशन, ये मैंने लैंग्वेज में लिख दिया, ये वैसे लेस देन इक्वल में, ये इसका डायग्राम हो गया, और ये वैसे क्योंकि ये इंटरवल आएंगे आगे जब हम कहीं भी किसी भी चीज़ की रेंज अगर अगला निकाल लेंगे कि वो क्लोज इंटरवल में रहेगी या किस इंटरवल में रहेगी, तो हमें इनकी प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए, ठीक है, आज के लिए इतना ही बहुत, कल फिर आगे जो है वो बस ये क्लास आपको रह गई, क्योंकि अगर बीच में ब्रेक लगे फिर दिक्कत होगी, अगर किसी छुट्टी भी करनी पड़ जाए तो अपना फिर ऑनलाइन वाली क्लास देख लिया करो, अब जैसे मैंने ये पढ़ाया अगर आप किसके नहीं बुक से देखो आप करो पढ़वा जाए कम से कम, अगर रिवीजन के लिए कुछ तो चाहिए, अगर आप क्या नाम है वो जो मैंने कल कराई थी उसे भी देखना क्लास, तो ये बहुत बिल्कुल क्लियर हो जाएगा।